नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है कौशल इन क्लासेस में। हम लोगों का एक इनिशिएटिव चल रहा है बाबू, मैथ्स का, स्पेशली मैथ्स का। हम लोगों ने एक प्रण किया है ना कि अब हर बच्चों मैथ्स पढ़ेगा। इसके लिए हमने 45 चैप्टर को 45 डेज में कवर करने का एक बीड़ा उठाया हुआ है। मतलब कि उसमें हम लोगों ने किया है कि बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा जब बच्चे का, तो मैथो बड़ा अच्छा से पढ़ेगा। तो अब ये खाली हमारा बेसिक ही नहीं चल रहा सर, हमारा टॉप लेवल का एकेडमिक भी चल रहा है। हमने क्लास 9th में नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, आज हम पॉलीनोमियल पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से क्लास 10th में भी लगभग चैप्टर सब पढ़ाए हैं, क्लास 11th वालों को पढ़ाए हैं, 12th वालों को भी कवरिंग हमने किया है। मतलब अब अभी तो 9, 10, 11, 12 सेट हो रहा है सर, 6, 7, 8 भी मैं सेट करूंगा। बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा मैथ्स के लिए सर, मैथ्स की जिम्मेदारी अब हमारी। आज हम पढ़ाने वाले हैं पॉलीनोमियल क्लास 9 का सर, बहुत ईजी है कसम से। हम आपकी कसम नहीं खा रहे हैं, लेकिन बहुत इजी है। आपको पता है इसमें पॉलीनोमियल्स पहले हम लोग देख लेते हैं, वन वेरिएबल में ही होता है। अच्छा, टर्म्स है, कोफिशियंट है, डिग्री है, ये सारा कुंडली हम खोलते हैं। आप इधर आइए, इसको मत देखिए। देखिए बाबू, कुंडली है हमारे हाथ में पॉलीनोमियल की। अच्छा, तो थोड़ा सा, हाँ ठीक है। देखो बाबू, अगर हम लोग पॉलीनोमियल की बात करें, बहुत ज्यादा पतला हो गया। ठीक है बाबू, अगर हम लोग पॉलीनोमियल की बात करें, किसकी बात करें? पॉलीनोमियल की। तो बिल्कुल बिंदास पढ़िएगा। पॉलीनोमियल क्या है? एक टोला है। क्या है? एक टोला है। कहाँ का? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। आप कहोगे ये सर क्या कर रहे हो आप, ये टोला काहे बोल रहे हो? तो बाबू, टोला मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने बहुत से टर्म्स देखे होंगे। आपने ऐसा एक्सप्रेशन देखा होगा, आपने एक्स माइनस वाई माइनस जेड देखा होगा, आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई देखा होगा। पॉलिनोमियल को मैंने टोला इसलिए बोला बाबू, जैसे उसका लिखने का तरीका ही कुछ और है। जैसे मैंने बोला पी एक्स, अब आप बताइए जब मैं एक्स टोला में बोलूंगा तो आप वाई कहां से ले आओगे, है ना? तो आपको तो लिखना पड़ेगा ना, जैसे एक्स प्लस टू हो गया। आप पी एक्स टोला की बात करोगे तो आप क्या लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टेन लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, मैं फिर पी एक्स बोल रहा हूं तो आप एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस 10 बोल सकते हो। अब आप बताए मैंने टोला काहे बोला, क्योंकि अगर मैं एक्स टोला बोलता हूं तो वाई कहां से आया, मैं वाई टोला बोलता हूं तो एक्स और जेड कहां से आया। तो इसलिए टोला बोलना मेरे लिए सही है कि पॉलिनोमियल वो बिरादरी है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जिसमें सिर्फ एक वैरायटी के लोग रहता है, सिर्फ एक वैरायटी के लोग। आप नाम बोल दोगे ना, जैसे हम लोगों का टोला है, हम नाम नहीं ले रहे लेकिन हम लोगों में गांव में भी टोला होता है। अब फलाने टोला, तो आदमी का पूरा दिमाग उधर चला जाएगा, जैसे उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है उधर। तो ये टोला मैंने जो बोला वो इसलिए बोला क्योंकि इसको डिनोट करने का तरीका होता है पी एक्स। अब जरा पॉलीनोमियल का एक्सप्रेशन तो मैंने शो कर दिया सर, इसके फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स आप पहचानोगे क्या? जैसे मान लीजिए किसी एक बदतमीज व्यक्ति के बारे में बोलूं तो आपको पूरा क्वालिटी उसकी पता चल जाए कि वो काहे बदतमीज है, क्या क्वालिटी है। तो वैसे पॉलीनोमियल की भी एक कहानी है। वो क्या है कि इसका जो पावरवा होता है, पहले तो ये देखो सेम वेरिएबल होता है। क्या होता है? सेम वेरिएबल मतलब इसमें सिर्फ एक बिरादरी का लोग होगा, या तो वाई 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 होगा या तो एक्स 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 होगा। ये बात समझ में आ गया? दूसरा, इसके खोपड़िया पे जो नंबर होता बाबू कभी नेगेटिव नहीं, जैसे देखो पावर 3 है, पावर 2 है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। मतलब इसका जो पावर होता है, पावर कैन नॉट बी निगेटिव। इसका खोपड़िया पर जो नंबर होता ना वो निगेटिव नहीं होगा कभी। अब तीसरी बात यह है कि जो पावर होगा इसका वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। बात साफ एकदम, पॉलिनोमियल में सिर्फ एक्स वैरायटी के लोग होगा, उसके खोपड़िया पे कोई नंबर होगा तो वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो नेगेटिव में नहीं होगा। और सर एक लास्ट बात मैं आपको बता दूं, यहां मैं लिख देता हूं चौथी बात, कि जो वेरिएबल होगा ना, जो वेरिएबल होगा वो रूट में नहीं होगा, वेरिएबल रूट में नहीं होगा।
जैसे आप ये देखो रूट एक्स, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। अगर मैं यहां बोल दूं यहां प्लस रूट एक्स, सर बिल्कुल गलत है, नहीं होगा। मतलब ये कि जितनी खास बात मैंने बताया सिर्फ उतना ही है सरकार, इससे ज्यादा नहीं होगा। हमने क्या बताया? पॉलिनोमियल का फीचर बताया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वो टोला है जिसको एक बिरादरी के रूप में हम निरूपित करते हैं, हम पी एक्स पी एक्स। अब आप कहोगे सर एक्स से रिश्तेदारी है का जो एक्स लिए घूम पड़ रहा है? अरे हम नहीं भैया, वाई ले लो, आप पी वाई ले लो, पी वाई ले लो, ऐसे ले लो, इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस फोर। आप वाई भी ले सकते हो, आप जेड भी ले सकते हो, सर आपका मन, पढ़ते सब लोग एक्स में है इस वजह से मैं एक्स लिख रहा हूं। ये तो आपने देखा पॉलिनोमियल। आप जरा ध्यान से देखिए पॉलिनोमियल में क्या क्या खास बातें हैं। पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन होती है। क्या होती है? डिग्री डिफाइन। जैसे एक्स पावर थ्री फोर एक्स स्क्वायर टेन एक्स प्लस पांच, सर इसके खोपड़िया पे मैक्सिमम पावर तीन है, इसके खोपड़ इस एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ा आदमी है वो एक्स है और उसके खोपड़िया पे तीन है, तो उसकी डिग्री तीन होती है। अगर मान लीजिए कोई मैं बड़ा एक्सप्रेशन ले लेता हूं एक्स पावर फोर 5x³ 7x² प्लस 10x प्लस 7, तो सर बाबू बाबू इसमें देखना सबसे बड़ा एक्सप्रेशन जो है उसमें सबसे बड़ा पावर वाला कौन सा है, तो ये है, तो इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। बड़ा आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक वर्ड है कोफिशियंट। ये कोफिशियंट क्या है बबुआ? देख, ये कोफिशियंट का मतलब होता है कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं अगर मैं बोलूं कि कौसलिन सर का कोफिशियंट कौन है, तो सर कौसलिन सर का कोफिशियंट आप सभी लोग हो, समझ गए ना? जैसे एक परिवार में पांच लोग हैं तो एक का कोफिशियंट वो चार लोग बनेंगे। जैसे तीन भाई दो बहन, तीन भाई दो बहन, अब एक बहन का जो कोफिशियंट होगा वो तीन भाई भी होगा एक बहन भी होगा, और खाली बहन का कोफिशियंट बोलेंगे तो तीन भाई हो जाएगा। अब इसको जरा नंबर सिस्टम में देखिए, अगर मैंने लिखा 2xy, क्या लिखा 2xy, तो 2 का कोफिशियंट क्या होगा? xy होगा। x का कोफिशियंट क्या होगा? 2y होगा। y का कोफिशियंट क्या होगा? 2x होगा। सर बहुत इजी है, जिसका मैंने नाम लिया उसको पकड़ के बाकी जो बचे उन्हें उसको बटोर लो तो वही हो जाएगा कोफिशियंट। डिग्री डिफाइन, कोफिशियंट डिफाइन। अब क्या बच रहा है? आइए सर, अब बचता है क्या? देखो बाबू, जब पॉलिनोमियल को हम पी एक्स लिखते हैं, जब पॉलिनोमियल को हम पी एक्स लिखते हैं, तो वो अलाउ करता है कि आप कोई भी यहां नंबर रख करके इनकी औकात पता कर सकते हो। जैसे वन रखा तो वन का स्क्वायर 5 × 1 हम 6 लिखते हैं, 1 + 5 + 6 = 6 = 12, ये पॉलिनोमियल की औकात भी मेजर करते हैं। अब एक बात, अगर इसकी औकात 12 है तो 1 रखने पे 12 आया, तो इसकी औकात 12 हो गई। सर कभी कभी आप ध्यान से देखिए, ऐसा कोई वैल्यू रख दिया जाए, ऐसा कोई वैल्यू रख दिया जाए जिसकी इसकी औकातें खत्म हो जाए, इसकी औकात जीरो आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास यही क्वेश्चन था, इसको मैं रख देता हूं ऐसे। अच्छा अब बाबू देखो, हमने क्या किया? -1 का स्क्वायर किया, हमने +5 और -1 किया, और हमने +6 किया। अब आप देखिए, हाँ यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 - 5 आ गया, आंसर फिर 2 आ गया। तो आप ध्यान से, जब भी कोई नंबर में हमारा आंसर मिलता है तो वो उसका जीरोज नहीं, वो उसकी औकात है। एक वर्ड है फैक्टर, यही देख लीजिएगा, एक वर्ड है फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है कि एक्स की ऐसी कोई वैल्यू रख दीजिए जिससे उसकी पूरी औकात जीरो हो जाए, तो इसका मतलब कि वो नंबर उसको जानता है। अच्छा, फैक्टर को उसी को बोलते हैं फैक्टर बाबू, वही होता है। जैसे मान लीजिए x² + 5x + 6, ये मेरा पॉलिनोमियल है, आप देख लीजिए ये मेरा पॉलिनोमियल। मैं कह रहा हूं पी -2 रख लीजिए, क्या रख लीजिए? -2। अब -2 का स्क्वायर करूंगा, 5 × -2 करूंगा और प्लस 6 करूंगा। अब बाबू देख, यहां क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यहां -10 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और 6 × 4 = 10 आ गया, 10 - 10 गया, ये हुआ 0। देख बाबू, 0 आ गया ना, तो इसका मतलब -2 इसको जानता है, ये -2 इसको जानता है। जैसे मान लीजिए मेरे गांव में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अब पता आप नहीं जानते ना, तो
तो कोई मतलब नहीं, मैं तो जानता हूं। तो मतलब ये हुआ कि मेरे गांव में जितने अच्छे व्यक्ति हैं मैं उनको जानता हूं, तो मैं उनका फैक्टर हूं। आप नहीं जानते तो आप फैक्टर नहीं, आप फैक्टर नहीं हो सकते, आप फैक्टर नहीं हो सकते। मैंने फैक्टर भी सिखा दिया। एक वर्ड है फैक्टराइजेशन, एक वर्ड है फैक्टोराइजेशन। अब सर ये टफ है थोड़ा सा, यहां आपको दिमाग लगाना है। देखिए फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक का होता है, क्वाड्रेटिक, और फैक्टराइजेशन क्यूबिक का भी होता है। सर यही टफ है, ये तो बहुत इजी है सर, बहुत इजी। आइए इस क्वाड्रेटिक का जो फैक्टराइजेशन बोलते हैं ना सर, उसी को बोलते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म। ये पॉलिनोमियल सर एक ही वीडियो में जा रहा है, इससे ज्यादा कुंडली कभी पैदा नहीं होगा, कसम से बता रहा हूं। मिडिल टर्म स्प्लिट की बात करता हूं तो इसका भी लॉ है सर, आप परेशान मत होइए, इसका लॉ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये लास्ट वाला साइन और नंबर दोनों देखिए, लास्ट में प्लस है ना, तो आप ये दिमाग में कभी भी टेंशन ना लीजिए। अगर प्लस है, अगर प्लस है तो आप बताइए प्लस कब आता है? माइनस माइनस से प्लस आता है, प्लस प्लस से प्लस आता है। तो ये बाबू क्लियर है, इस साइन को देखिए, मतलब इस साइन को देखिए, अगर प्लस है, इफ प्लस, तो या तो ये प्लस प्लस में टूटेगा या तो ये माइनस माइनस में टूटेगा। और ये बताएगा कौन? जैसे मैंने बोल तो दिया कि ये प्लस 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 में टूटेगा या माइनस माइनस, किस में टूटेगा? हाई बीच वाला बताएगा, हाई कह रहा ना हम प्लस में हैं तो प्लस में टूटेगा। कैसे? छह को ऐसे दो भाग में तोड़ो, छह को ऐसे दो भाग में तोड़ो कि जोड़ने पे पांच आ जाए, गुणा करें तो छह आ जाए। तो सर उसका नंबर है 3x और 2x, और आप खुद ही देख लीजिए, ऐसे जोड़ा बना लीजिएगा, ऐसे यहां x कॉमन लीजिए, ये एक टाइप का चंदा दिया जाता है बाबू। जैसे देखिए हमारी औकात 100 रुपया देने की है, आपकी 500 देने की है, तो 500 चंदा नहीं लगेगा, चंदा 100 रुपया लगेगा, क्योंकि चंदा सबसे गरीब को देखते हुए लगता है। भाई जितना वो बोल रहा है भैया वो गरीब आदमी है, वो 50 दे सकते, इसका मतलब 50 हर कोई दे सकता है, ले लो उतना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 बचा, यहाँ 2 रुपया चंदा मिल सकता है तो x प्लस 3 बचा। अब बबुआ देख, इसमें x प्लस 3 है, x में x प्लस 3, x प्लस 3 एक डब्बे में और x प्लस 2 एक डब्बे में। ये मैंने प्लस वाला बताया, ये प्लस वाला बताया जब यहाँ बीच में प्लस था। अब एक दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ध्यान से देखिएगा, यहां प्लस है, मैंने बोला था कि बाबू अगर प्लस है तो प्लस माइनस में टूटेगा, नहीं प्लस प्लस या माइनस माइनस, हाई बीच वाला बता रहा है कि बबुआ आपकी बार हम प्लस प्लस में नहीं टूटेंगे, माइनस माइनस में टूटेंगे। तो ये लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, बाबू देख माइनस 3 माइनस 2 जब आपस में मल्टीप्लाई करेगा ना तो 6 पैदा करेगा, और जोड़ेगा तो माइनस 5 पैदा करेगा। तो फिर x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 आ गया, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 आ गया, अब x माइनस 3 यहां कॉमन आ जाएगा और x माइनस 2 यहां कॉमन आ जाएगा। ये बात तब की थी जब मैंने बोला था कि पिछवाड़े प्लस हो, पिछवाड़े प्लस होगा तो प्लस प्लस या माइनस माइनस में टूटेगा। अब एक छोटी सी बात और, यही मैं दिखा देता हूं, एक छोटी सी बात और बाबू देख लो। मैंने कहा जब लास्ट में प्लस है, जब लास्ट में प्लस है तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये बीच वाला बताता है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, देख लीजिए यहां बाबू माइनस है ना, तो वो प्लस माइनस में ही टूटेगा। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि प्लस माइनस में किस किस नंबर वा का, किस सैनिया का नंबर वा बड़ा होगा, वो बीच वाला बताता है। अभी देखिए इसको, देखिए मैं इसको माइनस 3x और प्लस 2x में तोड़ करके इसको सेटिस्फाई करा दूंगा, क्योंकि बाबू माइनस 3 और प्लस 2 का प्रोडक्ट माइनस 6 होता है, और माइनस 3 और प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। हम x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 बच जाएगा, हम 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 बच जाएगा। अब देख बाबू x माइनस 3 और x प्लस 2। अच्छा ये तो सर लॉ है, इतना मैं छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ले रहा हूं। आप कहोगे सर आप बड़े बड़े नंबर करते तो आपको पता चलता, सर कुछ पता होता नहीं चलता। देखो सर ये जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होती है ना, बड़े बड़े होर्डिंग आप देखे होंगे ना हाईवे पे, सर उसका नक्शा जो बनता है ना लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बनता है,
है, छोटा सा बनता, छोटा सा बनता, उतना बड़ा जाके पैदा होता, उतना बड़ा प्रिंट होता। तो बाबू कॉन्सेप्ट अगर समझ में आपको आता है तो इसका मतलब वही नहीं, अब बड़े से बड़ा क्वेश्चन लगा लोगे। अरे बाबू मिडिल टर्म स्प्लिट में ही लास्ट वाले को फैक्टराइज ही तो करते हैं, फैक्टराइज करने के बाद जोड़ा बनाओ, पता करो, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो, लास्ट में माइनस था, मैंने बोला प्लस माइनस में टूटेगा, यहां मैंने माइनस बड़ा किया और प्लस को थोड़ा छोटा किया। आप चौथा क्वेश्चन जरा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स करा दिया। अब देखिए -3 + 2 में मैंने इसको तोड़ा था, अब की बार मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 2x - 6। सर आप थोड़ा सा भी समझदार होंगे ना तो आप मेरी बात को बिल्कुल समझ गए होंगे कि सर मुद्दा ये नहीं है, कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि लॉ क्या है, नहीं इसे भंचोगे ऐसे, ऐसे जैसे आत्मा भंचती है ना, आत्मा ऐसे भंचेगा। सर ये चार कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया ना। अब ये तो था कुंडली किसका, पावर 2 का, जरा पावर 3 वाला खोलते हैं। देखो कुंडली, अरे कुंडली यार बाबू, कुंडलिया जब हम खोल रहे हैं x³ का, मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन लूंगा आपको समझाने के लिए। x³ 3x² + 3x + 1 ये मैंने लिया बाबू, समझ में आ रहा है ना, आप ध्यान से देखना। अब कभी कभी होता क्या है, कभी कभी होता क्या है कि ये बच्चों देखेगा क्वेश्चन हो तो घबरा जाएगा। बाबू इसका एक उपाय है, इसका स्टेप्स लिख लीजिए, इसका स्टेप्स लिख लीजिए। पहला स्टेप क्या है, पुट, इसका स्टेप है पुट x = +-1 + -2। अब इसको जीरो बनाते रहिए, जीरो बना, अब मान लिए 200 नहीं बनाता, +-3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, बढ़ोतरी तक रखते रहिए जब तक ससुरा जीरो नहीं हो जाता, जैसे जीरो मिला तुरंत रुक जाइए। दूसरा स्टेप क्या है, आपने ये सब रखा, जीरो मिल गया, इफ मान लीजिए कि x = 1 मिला तो इसका मतलब x - 1 इसका फैक्टर बन गया। अब क्या करिए, x - 1 से क्या करिए, डिवाइड करा दीजिए। किसको डिवाइड करना है, हाई जो ऊपर वाला दिया गया है, जैसे डिवाइड करोगे आपको एक कुतियंत, सॉरी कुतियंत नहीं, क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और वो होगा पावर 2 के फॉर्म में, ये पावर 2 के फॉर्म में आएगा बाबू। और इसी को क्या करिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करा लीजिए, आंसर वाला ले लीजिए। अब आप वो भी नहीं आता तो उसका कोई इलाज नहीं, सर इतना तो पढ़ने पड़ेगा। अब आइए रखवा लेते हैं, ये अपने पास है px है x³ + 3x² + 3x + 1। हमने p-1 लिया, हमने p-1, -1 का क्यूब, 3 - 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, +3 - -1 + 1, यहाँ क्या हो गया, -1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ +3 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा। अब आप देख बाबू, 3 3 कटा 1 1 कटा, अरे मजा आ गया। -1 इसका जानता है, ये -1 इसको जानता है, जब -1 इसको जानता है इसका मतलब x की वैल्यू -1 पुट करने पे इसको जानता है, इसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर है, कुछ करिएगा नहीं। मैं कहाँ इसको सॉल्व करूं, आपको ये मिल गया ना x + 1 मिल गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं उसको स्टेप्स नहीं मिटा रहा हूं सर, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं यहां डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड करूंगा पावर 2 लाने के लिए। देखो बाबू जब पावर 3 है, एक लोग मिल जाएंगे ना तो उसको उसकी औकातें तो कम कराएंगे। x + 1 मिल गया है, डिवाइड करने का तरीका ये है, और आप मेरे ही हिसाब से डिवाइड करिएगा, ज्यादा मैथ में मैथमेटिशियन बनने की कोशिश की तो मैथ उठा के पटक देगा तुम्हें। पूछो कैसे, देखो यक्स कटवाएगा इनको, यक्स कटवाएगा x³ को, तो अब यक्स में क्या मल्टीप्लाई कर दे, यक्स में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि x³ हो जाए। सर थोड़ा बहुत जानकारी अगर आप होगा तो x² आप देख लीजिए, x² में x मल्टीप्लाई करेगा x³ आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा, हम आपकी बात नहीं कर रहे, कोई ऐसा बच्चा जो दिमाग का एकदम पैदल है और उसको ये नहीं पता कि यहां क्या आएगा, तो उसके लिए एक तरीका है, किसको कटवाना बाबू, पापा इसी को कटवाना था, तो लो इसको लिख लो, किससे कटवाना था, पापा एक्स से कटवाना था, लो कटवा दो, एक एक एक्स कटेगा तो x² बन जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जो अकल से बड़े अच्छे हैं, जो भी समझ लो आप, तो ये चीज मैं यहां हटा दे रहा हूं, ये मैं हटा दे रहा हूं। अच्छा ये मेरा था x³, तो x² लिया, x² क्यूब आ गया। अब यहां एक कहानी भी है कि
कि जब एक्स स्क्वायर आपने लिया, एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर वह वन से भी मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि जब भी यहाँ कोई नंबर लोगे यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। आपने देखा शादी ब्याह में कभी आदमी आया, मतलब न्योता उता ले करके बैठा है, आप उसको पानी पिला दिए, पानी पिला के ले गए, अपना लड्डू वड्डू ले गए, तब तक एक दूसरा व्यक्ति आ गया, तुरंत लड्डू लेके आई। अब जब लड्डूया लेके आओगे उसको पनिया पिलाने, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी। आप जानते हो ससुरा अभी पानी पिया है, लेकिन तब भैया पानी, अरे नहीं भैया हम अभी भी पिए, लेकिन एक बार आपको पूछना पड़ता है। तो सर ये जो x प्लस वन है ना, एक्स स्क्वायर से पूरे से मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्स स्क्वायर जब x से किया, एक्स क्यूब हो गया, तो एक्स स्क्वायर वन से भी करेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यही बच्चवा फंसता है कि इसके बाद क्या होता है। बाबू देख, इसके बाद सीधा सीधा गवई भाषा में ये बोलना कि इसमें से इसको घटाना है। अब देखिए, जब भी कोई दो नंबर आपस में घटता पिटता है ना, तो उन दोनों की औकात होती है, उन दोनों पे प्लस माइनस चार्ज होता है, तो उनको आप घटाइए, तो उनको बोल के घटाइए। क्या बोलना है, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो आप ही बताइए, दो एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा। अब आप कहोगे सर कभी कभी मान लीजिए ऐसा आ जाए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हो और हमको घटाना हो, तो बबुआ कुछ ना करिए, थ्री एक्स स्क्वायर में से माइनस करना है, माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसा बोल दोगे, तो आप थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर चार एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया ना। ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ये देखो अभी टू एक्स स्क्वायर बचा, अब ये प्यार से सबको उतार लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अब यहां से आप यहां आ गए हैं। अब देखिए यहां प्लस टू ले लीजिए, क्यों, क्योंकि टू एक्स 2x होगा, अरे x और लगा दो भैया, 2x और x 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब 2x में 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x आ जाएगा बाबूआ, अच्छा ये कट गया, अब 3x में से 2x जाएगा, 1x बचेगा प्लस 1। अब बाबू देख x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, इसका मतलब प्लस 1 लेना पड़ेगा, जब प्लस 1 लोगे बाबू तो ये कट जाएगा, ये तो हो गया खत्म। आप ध्यान से देखिए, मैंने बोला था कि जब x की वैल्यू रखोगे तो आपको कुछ मिलेगा, फैक्टर मिलेगा, उस फैक्टर से उसको डिवाइड करोगे तो आपको एक कुतियंत सॉरी क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको फाइनली फैक्टराइज कर लीजिए, आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब बबुआ देख, वन इंटू वन वन होता, लेकिन वन वन जोड़ने पे दो आ जाता, इसका मतलब ये एक एक्स प्लस वन, हम यहाँ एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा बाबू देख, एक्स प्लस वन बचेगा, हम यहाँ वन कॉमन लेंगे, अच्छा हाँ जब कुछ कॉमन ना हो तो आप वन कॉमन ले लीजिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अब आप ध्यान से देख लीजिए, हाई क्वेश्चन का जो आंसर आया ना, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया ना, एक तो एक्स प्लस वन आया, एक्स प्लस वन डिवाइड किया था सर, एक्स प्लस वन सर, इसके खोपड़िया पे तीन है ना, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं यहां मिटा देता हूं क्योंकि आप बहुत देख चुके होंगे ये सब। देखिए अब इसको हम लोग लिखते हैं, ये देखो बाबू, अब इसको हमने लिखा, सबसे पहले x प्लस वन मिला था ना, और फिर हमारे पास आया था ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, हमने फाइनली इसको भी फैक्टराइज किया, तो x प्लस वन और x प्लस वन ये देख बाबू, यही लोग इसको जानते। इस तरीके से अभी लास्ट का सिर्फ दो क्वेश्चन बचा, ध्यान से, टाइम नहीं वेस्ट कराएंगे, टाइम नहीं वेस्ट कराएंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड बी एडेड, ये सर बढ़िया क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड, ये क्या है, ऐसे दिया रहता है, एक ऐसे कोई पॉलिनोमियल दे देगा, हम यही को दे दें एक्स स्क्वायर, अरे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं भाई। आप कहोगे सर एकदम छोटा छोटा लेके पढ़ा रहे हो, तभी तो इतना नेता बन रहे हो आप, नहीं भैया ऐसा नहीं है, आता सब है। ये देखो, ये मान लीजिए क्वेश्चन है, मैंने कहा कि व्हाट शुड बी एडेड टू फलाने पॉलिनोमियल व्हिच इज, हाँ व्हाट शुड बी एडेड टू फलाने पॉलिनोमियल बाय धमाके, मतलब किसी से डिवाइड करने के बाद, मान लीजिए वो जी एक्स हो, क्या जोड़ दें इस पॉलिनोमियल में, क्या जोड़ दें कि एक्स प्लस वन से वो टोटल डिवाइड हो जाए, और एक क्वेश्चन बनता है कि इस पॉलिनोमियल में से क्या घटा दें कि एक्स प्लस वन से वो एग्जैक्ट डिविजल हो जाए। सर कुछ करिएगा नहीं, आप इसी से डिवाइड करा लीजिए, अभी देखिएगा चुटकी में आंसर लीजिए, पांच एक्स स्क्वायर प्लस छ एक्स प्लस सात, आपको पता ना सर एक्स स्क्वायर जाएगा, यहां एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये घटा पांच एक्स स्क्वायर में से एक्स जाएगा, चार एक्स स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, चार एक्स स्क्वायर प्लस छ एक्स प्लस सात,
अबकी बार मैं 4x ले जाऊंगा, 4x और x, 4x2, 4x और 1, 4x हो गया। अब ये कटा, ये बचा 2x+7, मैं यहाँ 2 ले जाऊंगा तो 2x हो जाएगा, ये 2 × 2 बचा 5, बचा 5, जरा इसको मैं सही से लिख दूँ, बचा 5। यहीं से कहानी हो गई शुरू। मैंने बोला था क्या जोड़ दें, मैंने बोला था क्या जोड़ दें। अगर आता है वाट शुड एडेड, क्या आता है, वाट शुड बी एडेड, वाट शुड बी एडेड, वाट शुड बी एडेड, तो भैया जो रिमाइंडर है ना उसी का साइन चेंज कर दीजिए, रिमाइंडर का जो साइन है वो चेंज कर दीजिए। मतलब अगर प्लस है तो नेगेटिव बना दीजिए, नेगेटिव है तो प्लस बना दीजिए। सर मेरे पास ये प्लस है, इसका आंसर आएगा -5। क्या आएगा, -5 इसमें जोड़ दें तो ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। और अगर यही आता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो भैया सेम ऐसे डिवाइड करिए जो लास्ट में बचता ना, यही फालतू का तो यही को घटा दे। कहानी खत्म सर, पॉलीनोमियल एकदम खत्म हो गया सर। अगर थोड़ा सा भी समझदार होंगे तो बहुत मजा आया होगा आपको।